जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम पर पहला वनडे मुकाबला सफलतापूर्वक खेला गया और इस मुकाबले में शिखर धवन शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऐसे जीता कि बीसीसीआई ने भी खुश होकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को करोड़ों के इनाम तक दे डाले। आखिरकार क्या हुआ था इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में तो आप सभी को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे मुकाबला देखकर खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि शिखर धवन और शुभमन गिल में आप किस बल्लेबाज को घातक मानते हो, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जिम्बाब्वे और भारत के बीच 18 अगस्त यानी कि आज ही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज देखने को मिला, जिसमें पहला मैच हरारे के मैदान पर खेला गया। तो वहीं दोस्तों इसमें भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी में एकतरफा प्रदर्शन कर इस मुकाबले को काफी अच्छी तरीके से जीता। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि मेजबान जिम्बाब्वे की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और वह 40.3 ओवरों में सिर्फ 189 रन ही बनाकर सिमट गई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से दीपक चहर और अक्षर पटेल का गेंद से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने आज के इस मुकाबले में मुश्किल समय में जाकर इस मुकाबले को जीता। दरअसल दोस्तों हम आपको बताएं अगर मुकाबले का पूरा हाल तो यहां भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने इस पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई, जिसके बाद पारी की शुरुआत करने उतरे इनोसेंट काया और मारुमानी पहले विकेट के लिए सिर्फ 25 रन की ही साझेदारी करने में कामयाब हो सके और इसके साथ ही टीम ने 31 के कुल स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे, जहां से जिम्बाब्वे की टीम का मध्यक्रम भी काफी दबाव में दिखने लगा, जिससे 110 रनों के स्कोर पर जिम्बाब्वे की टीम के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और ऐसे में ब्रेड इवांस और नगरावा के बीच में 9वें विकेट के लिए एक तेज साझेदारी देखने को मिली, जिसके दम पर जिम्बाब्वे की टीम 200 के स्कोर के करीब पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन 40.3 ओवरों में टीम 190 रन बनाकर सिमट गई, जहां भारतीय टीम की तरफ से दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल ने जहां 3-3 विकेट अपने नाम किए तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। हालांकि दोस्तों इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम की पारी यहीं पर ही समाप्त हुई और वहीं दोस्तों फिर जब भारतीय टीम 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो यहां भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी ने काफी सकारात्मक शुरुआत करते हुए पहले 10 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 43 रन तक पहुंचा दिया था, जहां शुरुआती ओवरों में शिखर धवन ने रन की गति को तेज रखने का जिम्मा संभाला, जिससे शुभमन गिल खुद को पूरी तरह से ढालने और वहीं इसके बाद उन्होंने भी बीच के ओवरों में अपने हाथ खोले और खूब चौके छक्कों की बरसात उन्होंने भी कर डाली। दरअसल दोस्तों गिल और धवन की ओपनिंग जोड़ी के आगे जिम्बाब्वे की टीम के सभी गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को सिर्फ 30.5 ओवर में अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि शिखर धवन ने आज जहां 113 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 981 रन बनाए तो वहीं शुभमन गिल ने भी 72 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 82 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों अब दोनों ही टीमों के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा इसी मैदान पर। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतने के साथ ही 1-0 की बढ़त भी हासिल कर लिया, जहां अब इससे ये तो पक्का हो चुका है कि भारतीय टीम को अब बस मात्र एक ही मुकाबला जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जीतना है और जिसके चलते वो इस रोमांचक वनडे सीरीज को भी अपने नाम केएल राहुल की कप्तानी में पूरा कर लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आज पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का जबरदस्त प्रदर्शन हम सभी को देखने के लिए मिला और इस दौरान जहां शिखर धवन ने अपने ओडीआई क्रिकेट में भी 81 रन जड़कर 6500 ओडीआई रन भी पूरे किए और इस मामले में उन्होंने कई पाकिस्तानी दिग्गजों को भी पीछे कर ये सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर शिखर धवन, दीपक चहर, शुभमन गिल और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज की सभी की गेंदबाजी बल्लेबाजी की बदौलत ही आज का ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाने में कामयाब हो सकी है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के आज के इस मुकाबले के प्रदर्शन के बारे में और आपके अनुसार आज भारतीय टीम किस किस खिलाड़ी की बदौलत जीती है, आप अपनी कीमती राय और विचार उस खिलाड़ी का नाम सहित नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।